कश्मीर में सेना के 20 जवानों की मौत का कारण बनी भारी बर्फबारी अब कुछ और जवानों को चपेट में ले सकती है। पठानकोट में तैनात 25 साल के मोहम्मद अब्बास अपनी मां के शव को कंधे पर लेकर भीषण बर्फबारी के बीच अपने पैतृक गांव की ओर बढ़ रहे हैं, जहां उन्हें मां का अंतिम संस्कार करना है। उनके साथ कुल 50 और लोग हैं। अब्बास का आरोप है कि उन्हें सैन्य प्रशासन ने हेलीकॉप्टर नहीं दिया। वे और उनके साथी बीते 4 दिनों से खतरनाक मौसम के बीच चल रहे हैं। अब्बास पंजाब के पठानकोट में तैनात थे और उनकी मां सकीना बेगम उनके साथ ही रहती थी। 28 जनवरी को उनकी मां का निधन हो गया। वे मां का अंतिम संस्कार पैतृक गांव करना में करना चाहते हैं, जो कुपवाड़ा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर स्थित है। अब्बास के भाई शाहनवाज कहते हैं कि हम पहले जम्मू पहुंचे और बाद में श्रीनगर, जहां मां के शव को ले जाने के लिए आर्मी ने हेलीकॉप्टर देने का वादा किया था, लेकिन सुविधा नहीं दी गई। बाद में अब्बास और मैं शव के साथ कुपवाड़ा के लिए रवाना हुए ताकि आगे मदद मिल जाए, लेकिन एविएशन अधिकारियों से संपर्क करने पर वहां भी उन्हें इंतजार ही हाथ लगा। कुपवाड़ा जिले के अधिकारियों का कहना है कि अब्बास को हेलीकॉप्टर की पेशकश की गई थी, लेकिन उसके परिवार ने लेने से इनकार कर दिया। सेना के अधिकारियों के दावे पर अब्बास ने सवाल उठाए हैं। अब्बास का आरोप है कि कुपवाड़ा कैंप में तो उसका फोन भी नहीं उठाया जा रहा। उसके बाद वे चित्रकूट से अपने रिश्तेदारों और कुछ मजदूरों के साथ द्रांगियारी से कुपवाड़ा के लिए रवाना हुए। वहां मौसम बेहद खराब था, लेकिन गांव वालों ने काफी मदद की। वहां भी हम लगातार कॉल करते रहे और 4 दिनों तक चॉपर का इंतजार किया, लेकिन सेना ने नहीं भेजा। नवाज कहते हैं कि बाद में अब्बास के साथ हम पैदल ही वहां से निकल पड़े। हम बीते 10 घंटों से चल रहे हैं, हमें 30 किलोमीटर चलना है। दूसरी ओर कुपवाड़ा के आर्मी ऑफिसर का कहना है कि चॉपर यहां से भेज दिया गया है और जल्द ही वहां पहुंच जाएगा। नवाज कहते हैं कुछ दिन बाद उन्हें उसी रास्ते से गुजरना है जहां भीषण बर्फबारी हो रही है। करीब 50 किलोमीटर की ट्रैकिंग में 10 घंटे से ज्यादा का समय लग सकता है। जहां जवान के इस वीडियो ने एक बार फिर सैन्य अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठाए हैं, वहीं हकीकत क्या है ये जांच के बाद ही साफ होगा। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।